संख्या भूगोल के तहत हम लोग आखिरी चैप्टर पे बात कर रहे थे जनाक की संरचना और जनाक की संरचना के दो हिस्सों को हमने चर्चा कर लिया था आपसे आज उसके तीसरे गुणों पे बात करनी थी साक्षरता पे लिंगानुपात पे हमने पिछली क्लास में बात किया है और आज साक्षरता या लिटरेसी पे बात करेंगे ठीक है छोटे छोटे सेक्शन है लिटरेसी साक्षरता जो कि समाज में जनसंख्या है और जनसंख्या में जो गुण है जनसंख्या के उसमें साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी विशेषता है जनसंख्या की साक्षरता का मतलब एजुकेशन शिक्षा पढ़े लिखे होना एक ऐसी विशेषता है जो जनांक की संरचना के अन्य गुणों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जैसे लिंगानुपात को भी ये प्रभावित करता है दर मृत्यु दर को भी प्रभावित करता है इसके आधार पर हम सामाजिक विकास का क्या करते हैं मापदंड निर्धारित करते हैं अगर साक्षरता की विशेषताओं की बात की जाए तो साक्षरता इसके आधार पर सामाजिक विकास के मापदंड तय होते हैं भाई अगर कोई समाज अधिक साक्षर है तो फिर क्या कहा जाएगा वो समाज विकसित है यानी सामाजिक विकास का क्या है ये मापदंड है मापक है आप कोई भी रिपोर्ट देखें जो समाज के विकास से संबंधित है या देश के विकास से संबंधित है तो वहां पर एक फैक्टर यह भी होता है उसके आधार में कि उस देश की साक्षरता क्या है क्या उस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है एजुकेशन का क्या स्तर है ये लगभग हर सामाजिक रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाता है एक कारक के रूप में किसी भी देश की उन्नति का सूचक है ये किसी भी देश की किसी भी देश के उन्नति का सूचक है साक्षरता अगर वो देश उस देश में साक्षरता दर ठीक है बेहतर है तो फिर वो देश उन्नति देश की श्रेणी में रखा जाता है माना जाता है कि उस देश की उन्नति सही दिशा में आगे बढ़ रही है ठीक है सामाजिक प्रगति या फिर आर्थिक विकास इन सब के लिए क्या है साक्षर होना जरूरी है उस देश का यानी तीसरी विशेषता आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है ये इसकी विशेषता है साक्षरता की कि ये जरूरी कितना है अलग एक चौथी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है कि जनांकी के संरचना यानी जनसंख्या के जो अन्य गुण हैं जनसंख्या के अन्य विशेषताओं को भी यह क्या करता है प्रभावित करता है जनसंख्या के अन्य विशेषताओं को प्रभावित करता है विशेषताओं को प्रभावित करता है यह इसकी विशेषता है यानी साक्षरता अगर है किसी देश में और उसका अच्छा अनुपात है तो फिर उस देश की कुछ पहचान कुछ विशेषताएं आप यहां देख सकते हैं कि वो देश सामाजिक रूप से विकसित होगा आर्थिक रूप से विकसित होगा और क्या उसकी सामाजिक प्रगति जो है स्वास्थ्य रूप से वो और अच्छा होगा डेवलप होगा उसके वहाँ पे स्वाच स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी ये सब कही न कहीं ना कहीं साक्षरता पे निर्भर करता है और साक्षरता इनको बहुत अच्छे से प्रभावित करता है जनसंख्या की अन्य विशेषताएं जैसे लिंगानुपात है व्यावसायिक संरचना है जनसंख्या का भाई अगर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं स्किल्स डेवलप है वहाँ पर तो फिर निश्चित रूप से व्यवसाय भी आगे बढ़ेंगे वे कृषि से हटकर भी लोग व्यवसाय में जाएंगे उद्योग में जाएंगे सर्विस सेक्टर आपका स्ट्रांग होगा यानी कुल मिलाकर के इकोनॉमी भी आपकी क्या होगी बहुत अच्छी होगी जन्म दर पर उसका प्रभाव पड़ेगा भाई अगर पढ़े लिखे हैं आखिर हम जनसंख्या संक्रमण की जब पहली अवस्था में थे तो जनसंख्या वृद्धि क्यों बहुत ज़्यादा थी दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्यों बहुत ज़्यादा थी उसका एक कारण ये भी है कि उस समय समाज पढ़ा लिखा नहीं था बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं था लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए फिर क्या हुआ जन्म दर वो अपने आप कम कर दिए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि चार छः आठ बच्चों की बजाय दो तीन मैक्सिमम तीन बच्चे हों जिनको एक बेहतर सुविधाएं हम बेहतर जीवन स्तर दे सकें तो अगर वो शिक्षित है परिवार शिक्षित है तो फिर जन्म दर पर भी उसका असर पड़ता है मृत्यु दर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है तो जो विशेषताएँ हैं साक्षरता की आप कुछ पॉइंट्स में इनको लिख सकते हैं और एग्जाम में मेंस में क्वेश्चंस में पूछ लेता है या फिर प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट के तौर पे दे देता है कि साक्षरता के प्रभाव या साक्षरता की विशेषताएं हैं कौन सी विशेषताएं हैं क्या प्रभावित होता है वो आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं फिर साक्षरता है क्या अब बात अगर इतनी बातें हो गई हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि साक्षरता क्या है सामान्यता व्यवहार में आप कह सकते हैं साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा होना शिक्षित होना यही साक्षरता है आप साक्षर हैं क्योंकि तो आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़े लिखे हैं आप साक्षर हैं लेकिन इसके कुछ मानक भी हैं कुछ परिभाषाएं भी दी हैं लोग अलग अलग तो वैश्विक स्तर पे जो परिभाषा इसकी मान्य है यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनसंख्या आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसने एक परिभाषा दिया है यानी यूएनओ जनसंख्या आयोग द्वारा इसने एक सामान्य सी परिभाषा दिया और कहा क्या कहा कि साक्षरता किसी भी भाषा के एक साधारण संदेश को समझकर पढ़ और लिख सकने की क्षमता ये संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या आयोग का कहना है कि साक्षरता किसे कहेंगे तो साक्षरता मतलब किसी भाषा के किसी भाषा के एक साधारण संदेश संदेश का मतलब एक मैसेज को या कुछ लिखा हो एक लाइन दो लाइन में उसको क्या करें पढ़कर साधारण संदेश को पढ़ लिख व समझ सकने की क्षमता समझ सकने की क्षमता क्या कहलाती है साक्षरता कहलाती है ठीक है यानी योनो कहता है कि भाई आप किसी भी भाषा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही हिंदी अंग्रेजी उर्दू कोई भी भाषा हो वैश्विक स्तर पर बहुत सारी भाषाएं हैं किसी भी भाषा में कोई मैसेज हो जो लिखा हो एक आध दो लाइन में और उसे आप पढ़ सकें समझ सकें और उसको लिख सकें अगर इतनी क्षमता आपके अंदर है तो आप क्या हैं साक्षर हैं ठीक यानी एक मैसेज को आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं ये बातें है, अगर आपके अंदर है इतनी क्षमता आप में है तो आप साक्षर व्यक्ति कहलाएंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग के तहत ठीक है इसके बाद में अब इसका ये तो संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित कर दिया साक्षरता लेकिन इससे पहले जब संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित नहीं किया था तो इससे पहले भी इसके बहुत सारे मानक रहे होंगे अलग अलग देश अब आखिर जब से यह देश बना होगा समाज बना होगा जनसंख्या बनी होगी तो फिर जागरूक और पढ़े लिखे लोगों को अलग करने के लिए कोई तो मानक रहा होगा तो अलग अलग देशों में इसके बहुत सारे मानक रहे हैं जिनको हम देखते हैं या बहुत सारे देशों ने ना कठिन प्रश्नों को इसका आधार बनाया कि भाई अगर आप कठिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और अगर आप उसका उत्तर दे लेते हैं तो फिर क्या हैं आप? आप साक्षर हैं तो साक्षरता निर्धारण जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग से तरीके से किया जाता है हर देशों का अपना एक मानक है हर देशों में एक जनसंख्या आयोग है जो भी संगठन हो वो क्या करता है साक्षर होने का एक मानक तय करता है जैसे कुछ उदाहरण आपको तो दें तो कुछ देशों में पाठशाला शिक्षा को क्या माना गया पाठशाला शिक्षा पाठशाला का मतलब स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसकी अवधि के आधार पे क्या कहा गया कि वो साक्षर होगा कि नहीं होगा ठीक है नहीं स्कूल में आप दो साल पढ़ते हैं अगर आप दो साल स्कूल में बिताए हैं तो आप साक्षर होंगे बहुत सारे देशों ने इस तरह के भी मानक निर्धारित किए हैं कुछ देशों में देख लिए कुछ देशों में पाठशाला शिक्षा को माना गया पाठशाला शिक्षा की अवधि को यह क्या है ये साक्षरता निर्धारण भाई अगर आप दो साल या एक साल जो भी साक्षरता निर्धारण के लिए उसने समय अवधि निर्धारित किया हो उस देश ने कि आप दो साल एज, आ, स्कूल में रहते हैं या एक साल स्कूल जाते हैं या पांच साल स्कूल जाते हैं तब आप साक्षर कहे जाएंगे ठीक है तो कुछ देशों ने तो पाठशाला शिक्षा की अवधि जो होती थी समय उसको आधार बनाया कुछ देशों ने कठिन प्रश्नों को आधार बनाया कुछ देशों ने क्या किया कठिन प्रश्नों को आधार बनाया जैसे 1950 में फिनलैंड ने ये आधार बनाया था 1950 में फिनलैंड एक यूरोपीय कंट्री है जिसने ये आधार बनाया कुछ प्रश्न पूछे जाते थे व्यक्ति से बच्चे से या किसी से भी अगर उस प्रश्न का वो उत्तर दे लिया तो वो साक्षर है नहीं दे पाया तो साक्षर नहीं है यानी पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है हांगकांग में 1961 की जनगणना में ये भी एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा हांगकांग में 1961 की जनगणना जो हुई थी उसमें इन्होंने माना कि वो व्यक्ति साक्षर होगा जो देश की भाषा को पढ़ सकता है देश की भाषा को पढ़ने वाला क्या होगा साक्षर होगा देश की भाषा को जो पढ़ सकता है यानी हांगकांग की जो राष्ट्रीय भाषा है या उस देश में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं उस भाषा को अगर कोई पढ़ सकता है तो वो कैसा हो, क्या होगा साक्षर होगा ठीक है ये हांगकांग ने उन्नीस में ये अपने यहाँ ये मानक तय किया भारत में क्या है अब बात आती है कि अगर अलग अलग देशों में है तो फिर भारत में भी कोई मानक तय किया गया होगा एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि तीन साल का बच्चा जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है तो क्या वो साक्षर माना जाएगा भारत में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा हाँ लेकिन नहीं वो साक्षर नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि भारत में जो साक्षरता के निर्धारण की जो मानक हैं उस मानक में तीन साल का बच्चा शामिल नहीं है ठीक है तो भारत में किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है फिर ये देख लो भारत में उसे साक्षर माना जाएगा जो देश में प्रचलित किसी भी भाषा की वर्णमाला को समझता हो देश में प्रचलित किसी भी भाषा के वर्णमाला को समझता हो फिर वर्णमाला को समझता हो अपना हस्ताक्षर बना सकता हो दूसरा अपना हस्ताक्षर बना सकता हो और तीसरी बात इसमें जोड़ा गया कि उसकी उम्र कितना हो सात वर्ष से अधिक हो उम्र सात वर्ष से अधिक हो तथा उम्र सात वर्ष से अधिक हो यानी ये तीन विशेषताएं अगर किसी में है तो वो साक्षर माना जाएगा पहला किस देश में जो भी भाषा में किसी भी भाषा में जो प्रचलित हैं उस भाषा की वर्णमाला को वो समझता हो दूसरा अपना सिग्नेचर कर लेता हो तीसरा उसकी उम्र सात वर्ष से अधिक हो तो अब बताइए कि तीन साल का बच्चा भले ही ये सब कर ले रहा है लेकिन क्या इस परिभाषा के तहत वो साक्षर होगा भारत में नहीं होगा इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यह है बहुत सामान्य क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूजन में या जल्दबाजी में किसी भी दबाव में आप इसका जवाब तुरंत देते हैं और तुरंत जवाब देने में गलती हो जाती है ठीक है इसका आप ध्यान रखिएगा इसे नोट कर लीजिए फिर देखते हैं साक्षरता मापने की विधि क्या है साक्षरता मापने की जो विधि है उसमें पहली विधि है अशोधित साक्षरता दर अशोधित साक्षरता दर ये शब्द आप समझ कर रखिए क्योंकि एग्जाम में शब्द की परिभाषा ही पूछ लेता है, मतलब उसका इसको बोलते हैं क्रूड रेट ठीक है ये क्या होता है इसमें होता क्या है अशोधित का मतलब होता है जिसमें संशोधन नहीं किया गया हो यानी जो जैसा रिकॉर्ड में है आप वैसे उसको दिखा दें वो होता है अशोधित इसमें जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड के तौर पे पढ़ाई की है उनको ही शामिल किया जाएगा जिनके पास मार्कशीट है उनको ही लिया जाएगा अब मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कभी स्कूल तक नहीं गए हैं लेकिन पूरा रामायण वो पढ़ लेते हैं अपना सिग्नेचर भी कर लेते हैं घर पे बैठे बैठे जैसे मेरे पापा भी कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन वो भी सिग्नेचर करना जानते थे तो सिग्नेचर भी कर लेते थे और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे वो सब सीख लिए कैसे क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं बच्चों के साथ बैठते बैठते पापा मम्मी भी सीख लिए अब तो खैर लगभग सब लोगों के पास इतनी क्षमता है बहुत कम ही लोग हैं लेकिन साक्षरता में उनको शामिल नहीं किया जाएगा जबकि वो उन विशेषताओं को क्या कर रहे हैं पूरी कर रहे हैं फिर भी वो शामिल नहीं है तो सिर्फ इस वजह से कि कभी उनका नाम स्कूल में दर्ज नहीं हुआ कोई मार्कशीट नहीं है उनके पास भले ही बहुत टैलेंटेड हों बहुत जानकारी रखते हैं तो क्या तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे साक्षरता में इसी को आशोधित साक्षरता दर कहेंगे यानी ऐसी साक्षरता दर निकालें जिसमें वही लोग शामिल हों जिनके पास रिकॉर्ड हो ठीक है इसमें कौन शामिल होता है तो कुल कुल साक्षर व्यक्तियों का तथा कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है ये वही है यानी कुल साक्षर व्यक्ति तथा कुल जनसंख्या का जो अनुपात निकलेगा कुल जनसंख्या यानी जो कुल जनसंख्या है उससे कुल साक्षर व्यक्ति के बीच में जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा अशोधित साक्षरता दर ठीक है इसमें आप इसको सूत्र में अगर लिखना चाहें तो साक्षरता दर इक्वल टू साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुड़े सौ अब ये प्रतिशत में आपके निकल आएगा इसमें देखिए है तो ये सबसे लोकप्रिय विधि साक्षरता ज्ञात करने की बहुत लोकप्रिय है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम वो ये है कि कहीं ना कहीं कुल जनसंख्या शामिल हो रही है इसमें कुल जनसंख्या शामिल होने का मतलब हो गया कि इसमें पांच साल सात साल से कम के बच्चे भी शामिल हो जा रहे हैं भाई उनको निकालिए बाहर आप क्योंकि वो अगर पढ़े लिखे भी हैं तो भी वो जानकारी भी रखते हैं फिर भी वो इसमें शामिल नहीं होते हैं परिभाषा अलाउ नहीं कर रही है भारत की तो एक निश्चित आयु वर्ग को माइनस करने के बाद में फिर आपके पास जो जनसंख्या जो दर निकले वो होगा इसमें यही एक कमी आ गई कि यहाँ कुल जनसंख्या को शामिल किया गया है ठीक है तो कुल जनसंख्या को इसमें शामिल नहीं करना था तो अब अगर इसमें ये कमी है तो फिर दूसरा क्या होगा आयु विशिष्ट साक्षरता दर जो दूसरी दर होगी वो आयु विशिष्ट आयु विशिष्ट साक्षरता दर का मतलब हो गया कि एक निश्चित आयु वर्ग को लिया जाएगा इसमें सबको नहीं यानी जो बच्चे हैं जो अभी जन्म लिए हैं भाई जो परसों जन्म लिए हैं उनको भी शामिल करने का क्या मतलब है जबकि आपकी परिभाषा कहती है कि सात वर्ष के ऊपर के लोगों में देखा जाएगा साक्षरता तो फिर सात वर्ष से ऊपर के लोगों को ही शामिल किया जाए उससे कम के आयु वर्ग के बच्चों को क्यों शामिल करना तो आयु विशिष्ट का मतलब हो गया कि एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा ठीक है जैसे अब जब साक्षरता का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या साक्षर जनसंख्या बटे साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या अब स्कूल जनसंख्या में से माइनस कर दीजिए किसको पांच या सात वर्ष के बच्चों को पांच या सात क्यों क्योंकि बहुत सारे देशों में पांच वर्ष है कहीं पे सात वर्ष है हमारे यहाँ सात वर्ष निर्धारित किया गया कुछ समय तक पांच वर्ष भी था ठीक है तो यह साक्षरता आपकी निकल आती है यही सही साक्षरता दर है लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय है इसलिए है क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं करना कोई माइनस प्लस नहीं करना बस एक बार में आप लिखो जितनी जनसंख्या है उनको एक तरफ रखो जितने साक्षर हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको एक तरफ और भाग गुड़ा भाग करके आप प्रतिशत निकाल के सामने रख दो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा किसको जो बच्चे हैं जिनको परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ठीक है यह साक्षरता ज्ञात करने की या मापने की विधि है जो आप ध्यान में रखें एग्जाम में अगर प्रिलिंथ में क्वेश्चन बनता है ना तो ये पूछ लेता है स्टेटमेंट में कि इस विधि में क्या रिजल्ट निकल कर आता है या कौन वर्ग शामिल हो रहा है कौन नहीं शामिल हो रहा है इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी देश में साक्षरता को निर्धारित करते हैं या साक्षरता को प्रभावित करते हैं ठीक है तो हेडिंग बना लीजिए साक्षरता को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक निर्धारित करने वाले कारक वो कौन से कारक होंगे जो साक्षरता साक्षरता को या उसकी दर को किसी भी क्षेत्र में प्रभावित करते हैं तो देखिए सबसे पहला तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है यही एक बड़ा कारक है जो साक्षरता को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है अर्थव्यवस्था का प्रकार देखिए अगर अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है ध्यान से सुनिएगा कि अगर अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तो वहां साक्षरता कम होगी क्यों क्योंकि कृषि कार्य के लिए खेत में काम करने के लिए शिक्षा की कोई विशेष महत्व तो नहीं है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी लोग हैं जिनकी मानसिकता यह है कि जब बच्चों को खेती करना है तो काहे लिए इतना पैसा इतना समय बर्बाद करें काहे लिए पढ़ाई लिखाई जब खेती ही करना है तो हल तो वैसे भी चला लेंगे बिना पढ़े लिखे भी अब उनको कौन बताया कि पढ़ लिख लेंगे तो ट्रैक्टर भी चला सकते हैं या और भी मशीनरी वो चला सकते हैं दिमाग भी चला सकते हैं जिससे खेती भी उन्नति होगी लेकिन ये परंपरागत सोच है कि अगर कृषि प्रधान देश है तो वहाँ पे लोग मान ये मानकर चलते हैं कि खेती ही करना तो का जरूरत बहुत पढ़ने लिखने का तो ये जो मानसिकता है इस वजह से भी क्या होती है साक्षरता प्रभावित होती है ठीक है ऐसे जो प्राथमिक व्यवसायों में को छोड़कर अन्य अर्थव्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो साक्षरता उच्च उत, पाई जाती है जैसे जो कृषि प्रधान देश हैं वहाँ पर साक्षरता निम्न है कारण आपने देखा लेकिन अगर वही देश कृषि प्रधान से दूसरे चरण में है औद्योगिक प्रधान देश हैं या थोड़ा सा डेवलपिंग है डेवलप हो गए हैं तो वहाँ पे क्या है इंडस्ट्री डेवलप्ड है सर्विस सेक्टर डेवलप है तो वहाँ साक्षरता का लेवल अपने आप उच्च हो जाएगा जैसे आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा कंप्यूटर पर बैठता जरूर है नई कंप्यूटर तो मोबाइल में भी कुछ तो कौशल वो सीख ही रहा है हर बच्चे को टाइपिंग और ये सारी चीज़ें लगभग स्कूल में भी सिखाया जाता है और परिवार में भी घर वाले भी कहते हैं जाके अच्छा एक घंटे कंप्यूटर ही सीख लो वो इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है बल्कि इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यार आने वाला जो समय है और जो समय चल रहा है इसमें टेक्निकल जानकारी का होना बहुत जरूरी है खासकर कंप्यूटर बेस्ड जानकारी तो होनी ही चाहिए क्योंकि सारा का सारा काम आप क्या कर रहे हो कंप्यूटर भी कर रहे हो इस वजह से तो जब आपका सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री डेवलप होती है तब वो अर्थव्यवस्था में क्या होती है साक्षरता दर बढ़ने की दर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी लोगों की सोच में ही आ जाएगा कि नहीं बच्चों को पढ़ाना जरूरी है नहीं तो फिर हमारा फ्यूचर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा खेती भी नहीं है खेती तो करना नहीं है अब उद्योगों में बच्चे को तभी सेलेक्ट किया जाएगा जब वो मशीनरी जानकारी रखता हूँ टेक्निकल जानकारी रखता हूँ और खेती में कौन सी टेक्निकल जानकारी की जरूरत है भाई कुदाल चलाने के लिए यह भी अर्थव्यवस्था का प्रकार ये निर्धारित करता है कि उस देश में साक्षरता दर किस स्तर पे होगी ठीक है दूसरा कारक है औद्योगिक तथा तकनीकी विकास इन कारकों को आप लिख लें औद्योगिक तकनीकी विकास अगर किसी देश में इसका डेवलपमेंट हुआ है उद्योग विकसित है तकनीकी विकास हुआ है तो साक्षरता वहां पर उच्च पाई जाएगी जीवन स्तर है जीवन स्तर में आप देखेंगे कि जो रहन सहन का जो उच्च स्तर होता है जिन परिवारों में रहन सहन का उच्च स्तर है बेहतर इनकम है वो उनके घर में ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं जो गरीब परिवार है या निम्न तबके का है तो फिर उसमें पढ़ाने का ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही संसाधन ना ही समय तो इस वजह से भी साक्षरता दर प्रभावित होती है यातायात एवं संचार के साधन एक बड़ा कारण है यातायात एवं संचार के साधन भाई अगर आपके गांव से बगल से ही कोई बस जा करके आ, कॉलेज में पहुंचा दे आपको तो शायद आप कॉलेज में एडमिशन भी लेना चाहें लेकिन अगर आपको पंद्रह किलोमीटर पैदल जाना पड़े ग्रामीण क्षेत्र में या फिर साइकिल से सफर करना हो तो आप इंटर के बाद पढ़ाई बंद कर दोगे यानी आप वहीं तक पढ़ाई करोगे जहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हो तो अगर यातायात के साधन विकसित है जिस क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में साक्षरता दर भी प्रभावित होती है इससे क्योंकि दूर के क्षेत्रों में कॉलेज है वहाँ तक जाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए साधन चाहिए यातायात के साधन चाहिए भाई अगर परिवार इतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को गाड़ी दे सके बाइक दे सके तो फिर उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है और वो भी अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर वो स्कूल कैसे पहुंच पाएगा नहीं जा सकता है। और इसमें इस कारण की वजह से क्योंकि तो लड़का है अगर तो निश्चित रूप से थोड़ा संघर्ष कर भी सकता है लेकिन फिर मामला बचता है तो लड़कियों के लिए कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है परिवार जो है उनको इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं आमतौर पर इससे जो फीमेल का जो साक्षरता दर है वो प्रभावित होती है बहुत ज्यादा अगर यातायात के साधन नहीं है तो लड़कियां कम पढ़ पाती हैं इस विषय में ठीक है अगला जाती एवं धार्मिक संरचना भी एक कारण है जातीय एवं धार्मिक संरचना कुछ जातियों में कुछ धर्मों में यह मान्यता है कि पढ़ाई को महत्व तो नहीं दिया गया है जैसे अब तो खैर अब ये सामान्य हो गया है और अब कोई दिक्कत फिलहाल नज़र नहीं आ रही लेकिन कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में पढ़ाई को कम महत्व दिया गया है खासकर गर्ल्स के मामले में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखें ऐसे बहुत क्षेत्रीय स्तर पे भी कुछ जातियों में भी आप देखेंगे जैसे घुमक्कड़ जातियाँ बहुत सारी हैं हमारे जनजातियों में कहाँ उतना पढ़ाई को महत्व देते हैं वो जन जंगल जल जंगल ज़मीन में ही लगे रहते हैं तो जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ भी साक्षरता आपको निम्न मिल जाती है और प्रभावित भी होती है बहुत ज़्यादा ठीक है समाज में स्त्रियों की दशा एक बड़ा फैक्टर है इससे भी क्या होता है साक्षरता प्रभावित होती है कहीं ना कहीं उसकी दर प्रभावित होती है जिस समाज में स्त्रियों की बेहतर दशा है यानी उनकी सामाजिक आर्थिक और पॉलिटिकल पकड़ या बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट व्यवसाय में अगर इसमें उनका भागीदारी पार्टिसिपेशन बढ़िया है तो औरतें महिलाओं का तो फिर वो साक्षरता दर उस क्षेत्र विशेष में या राज्य में या देश में प्रभावित होगा क्योंकि वो खुद भी पढ़ी लिखी हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को होम ट्यूशन भी देकर वो पढ़ाएंगे और पढ़ाई के लिए संघर्ष भी करेंगे तो अगर स्त्रियों की दशा अच्छी है तो फिर साक्षरता दर भी उससे प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं साक्षरता दर अच्छी होगी ठीक है ये सारे कुछ फैक्टर हैं और भी कारक आप अपने से ढूंढ सकते हैं लिखने के लिए कि बहुत सारे कारक हैं जो सामाजिक दशाएं हैं कुरीतियाँ हैं समाज में और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं सरकारी नीतियाँ हैं जो प्रभावित करती हैं है, है कि नहीं ये सब भी साक्षरता दर को नियंत्रित करती हैं कहीं ना कहीं इतने फैक्टर्स हैं आपने नोट कर लीजिए यूनेस्को की 2015 की एक रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जो औसत साक्षरता है वो कितनी है छियासी दशमलव तीन प्रतिशत विश्व तो की वैश्विक औसत साक्षरता बहुत ज्यादा है है कि नहीं तो वैश्विक औसत साक्षरता छियासी दशमलव तीन प्रतिशत है किसके अनुसार यूनेस्को की 2015 की एक रिपोर्ट थी 2015 की रिपोर्ट सोर्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें ठीक है इसमें 90 प्रतिशत पुरुष साक्षरता थी प्रतिशत पुरुष और बयासी दशमलव सात प्रतिशत महिला साक्षरता ठीक है यह यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व स्तर पे यह मिलता है उस रिपोर्ट में टॉप और टॉप पे कौन से देश है जहां सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है तो उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है टॉप पर है यहां पे साक्षरता निन्यानबे दशमलव नौ नौ प्रतिशत है ये पॉइंट एक प्रतिशत पता नहीं क्यों नहीं है प्रतिशत साक्षरता सर्वाधिक विश्व में सबसे ज्यादा साक्षरता यहीं पर है फिर इसके बाद यूक्रेन है यूक्रेन में भी निन्यानवे दशमलव नौ सात प्रतिशत है ये जो साक्षरता का जो है ये 2012 के आंकड़ा है और 2018 का आंकड़ा ये है ठीक है विश्व स्तर पर सर्वे जो होता है ये बहुत लेट लपेट होता रहता है तो आंकड़े एक साल के आपको नहीं मिलते अब तो खैर डब्ल्यू आंकड़े देता है जो विश्व स्तर का एक समग्र आंकड़ा होता है ठीक है सबसे कम ये तो टॉप पे हो गए तो और भी दो चार के नाम आप सर्च करके भी लिख सकते हैं डाउन की अगर बात किया जाए कि सबसे कम साक्षरता किसकी है तो चार्ड यहां साक्षरता बाईस दशमलव कितना है तीन एक प्रतिशत चार्ड एक देश है यहां पे बाईस दशमलव तीन एक प्रतिशत साक्षरता पाई जाती है इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है वह है गिनी गिनी में बत्तीस साक्षरता है औसत साक्षरता दर बत्तीस ठीक है इनके आप जैसे ही मोबाइल में सर्च करेंगे ना लिटरेसी रेट वर्ड तो तुरंत एक लिस्ट आ जाएगी उस लिस्ट में से और भी आप एग्जांपल्स देख लेंगे भारत की अगर बात की जाए कि भारत में जो साक्षरता दर है भारत की साक्षरता दर यहां चूंकि आपको पता है 2011 के आंकड़े ही चल रहे हैं अभी तो तिहत्तर प्रतिशत 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पुरुष जनसंख्या में साक्षरता दर अस्सी दशमलव नौ प्रतिशत है नौ प्रतिशत पुरुष की जन साक्षरता दर है और महिला की है चौसठ दशमलव छह प्रतिशत महिला साक्षरता यह आप ध्यान में रखिएगा ठीक है तो यह सारी बातें थी साक्षरता से संबंधित जो कि जना गुण है एक विशेषता है एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको अलग से चर्चा किया है